अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में और मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इंसानों द्वारा बनाया गया कोई यान सूरज के वायुमंडल में पहुंचा हो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के ऊपरी वायुमंडल को छू लिया है। ये यान वहां तक सफलतापूर्वक पहुंच गया। सूरज के ऊपरी वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। यहां से उसने सूरज के कणों और चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े जुटाए हैं। लेकिन यान सूरज के सबसे नजदीक नहीं पहुंचा है। इसे अभी भी सूरज के सबसे नजदीक पहुंचना बाकी है। खुशी की बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई यान सूरज के इतने करीब पहुंचा है। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब को सबसे नजदीक पहुंचाना अभी बाकी है। इस साल के शुरुआत में ही पार्कर यान कोरोना के अंदर जाकर निकल गया था। ये यात्रा बेहद छोटी थी। तब उसकी दूरी सूरज की सतह से 1.33 करोड़ किलोमीटर थी। 14 दिसंबर को नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनका यान सूरज के कोरोना में प्रवेश करने में सफलता हासिल कर चुका है। यानी पार्कर सोलर प्रोब अब कोरोना के ज्यादा अंदर पहुँचा है। फिलहाल सूरज की सतह से उसकी दूरी करीब 79 लाख किलोमीटर है। लेकिन सबसे नजदीक पहुंचने में पार्कर यान को अभी 4 साल का इंतजार करना होगा। पार्कर सोलर प्रोब साल 2025 में सूरज की सतह से बेहद करीब होगा। इस समय सूरज के सतह से इसकी दूरी करीब 61.15 लाख किलोमीटर होगी। इसके बाद इस यान का क्या होगा, ये ना तो नासा ने बताया है, ना ही किसी अन्य एस्ट्रोनॉमर ने इसकी भविष्यवाणी की है। लेकिन इस यान ने सूरज के वायुमंडल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सूरज के वायुमंडल में पहुंचने से 3 बड़े रहस्यों से पर्दा हटेगा। पार्कर सोलर प्रोब 3 प्रमुख चीजों की जांच करेगा। पहला, कोरोना में बहने वाली ऊर्जा और गर्मी की गणना और सौर हवाओं से भाव की गति आदि। दूसरा, सूरज के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के ढांचे और डायनेमिक्स का अध्ययन करना। और तीसरा, सूरज से निकलने वाले आवेशित कणों की उत्पत्ति, बहाव और उनके व्यवहार की जांच करना। इन तीनों अध्ययनों से धरती को सौर तूफानों से बचाने में मदद करेगा। पार्कर सोलर प्रोब में 5 पोलोट्स लगे हैं जो सूरज से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। इन पोलोट्स को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए 4.5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट पदार्थ की परत लगाई गई है। प्रोब में मौजूद 5 पोलोट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन्वेस्टिगेशन, ये चुंबकीय लहरों, रेडियो तरंगों, फ्लक्स, प्लाज्मा घनत्व और इलेक्ट्रॉन तापमान की जांच करेगा। दूसरा पेलोड, इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन, ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हैवी आयंस की जांच करेगा। तीसरा, वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब, ये एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो सूरज के कोरोना और इनर हेलियोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। चौथा, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन अल्फास एंड प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम आयंस की वेलोसिटी, डेंसिटी और तापमान का अध्ययन करेगा। पांचवा, हेलियोस्फेरिक ओरिजिन्स विद सोलर प्रोब प्लस, ये वैज्ञानिकों को सूरज से संबंधित थ्योरी और मॉडल्स बनाने में मदद करेगा। पार्कर सोलर प्रोब को 12 अगस्त 2018 को कैप कैनवरल से डेटा 4 हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस मिशन की कुल उम्र सीमा 7 साल है, जिसमें से ये 3 साल 4 महीने और 3 दिन बिता चुका है। ये यान कुल मिलाकर 555 किलोग्राम का है, जिसमें 50 किलोग्राम के पोलेट्स लगे हैं। ये यान 3 मीटर ऊंचा और 2.3 मीटर चौड़ा है। ये यान 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाता है। इसका अगला चक्कर अगले साल फरवरी में लगेगा। नासा के पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूर्य के रहस्यों का खुलासा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है, वो पिछले साल जुलाई में शुक्र ग्रह के बगल से गुजरा है। इस समय उसने कई तरह की आवाजें रिकॉर्ड की। इससे पहले अंतरिक्ष विज्ञान के 30 साल के इतिहास में शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की आवाज न किसी ने सुनी थी, न इसका अंदाजा लगाया था। ये पहला मौका था जब किसी अंतरिक्ष यान ने शुक्र ग्रह की आवाज को रिकॉर्ड किया हो। पार्कर सोलर प्रो शुक्र ग्रह की सतह से 833 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। इस यान के डेटा एनालिसिस का काम मैरीलैंड के लॉरेंस में स्थित जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के वैज्ञानिक करते हैं। नासा गोलार्ड फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट और शुक्र ग्रह के एक्सपर्ट ग्लेन कॉलिंसन ने कहा कि इस बार पार्कर ने जो डेटा भेजा है वो अद्भुत है। हमें पहली बार शुक्र ग्रह की आवाज सुनाई दी है, ये किसी संगीत जैसा ही है। पार्कर सोलर प्रोब में एक यंत्र लगा है जिसे फील्ड्स कहते हैं। ये आमतौर पर सूरज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेकिन 11 जुलाई 2020 को शुक्र ग्रह के बगल से गुजरते समय सिर्फ 7 मिनट के यात्रा के दौरान फील्ड में शुक्र ग्रह से निकलने वाली प्राकृतिक रेडियो तरंगों की आवाजों को रिकॉर्ड किया। इसके अलावा जो सिंबल प्रोब से प्राप्त हुआ उन्हें देख वैज्ञानिक हैरान थे।
ग्लेन कैलिनसन ने कहा कि जब अगली सुबह मैंने सिग्नल और आवाज को सुना और देखा तो ऐसा लगा कि साल 2003 में बृहस्पति ग्रह से भेजे गए नासा के गैलीलियो ऑर्बिटर ने भी ऐसे ही सिग्नल भेजे थे। ऐसी ही आवाज हमेशा रिकॉर्ड होती है जब कोई यान बृहस्पति ग्रह के आयनोस्फीयर से होकर गुजरता है। धरती की तरह ही शुक्र ग्रह के चारों तरफ भी अलग अलग तरह ही गैसों के चार्ज पार्टिकल का घेरा बना हुआ है। शुक्र ग्रह की सतह पर भी चार्ज्ड गैस प्लाज्मा अपने आप निकलने वाली रेडियो तरंगे इन सब को समझने और मापने के लिए फील्ड्स जैसे यंत्र की आवश्यकता होती है। पार्कल सोलर प्रोब जब शुक्र ग्रह के बाहरी वायुमंडल को छूते हुए गुजरा तो उसने ग्रह की तरह ही प्राकृतिक तौर पर निकल रही रेडियो तरंग की आवाज को दर्ज किया। ग्लेन और उनके साथी इस आवाज और रेडियो तरंगों के सिग्नलों के आधार पर अब ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह के आयनोस्फीयर में क्या है। इससे पहले वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की जानकारी साल 1992 में पायनियर वीनस ऑर्बिटर ने दी थी। उस समय सूर्य अपने प्रचंड रूप में था, भयानक गर्मी छोड़ रहा था। उस समय सौर तूफान अपनी चरम स्थिति में था। साल 1992 से लेकर अब तक जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप के जरिए शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन किया जा रहा था। पिछले साल जब पार्कर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह के बगल से निकला तब सौर अपने निम्न स्तर पर था। इस प्रोव से पता चला कि शुक्र ग्रह के चारों तरफ बेहद पतला वायुमंडल है जबकि इसके पहले जो डेटा मिला था उसमें वो काफी घना और भारी बताया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में लेबोरेटरी ऑफ एटमोस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स के पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता और इस स्टडी के लेखक रॉबिन रंगस्टेड ने कहा कि जब एक जैसे आंकड़े अगर कई देशों के अंतरिक्ष यान देने लगे तो आपको अपनी स्टडी पर भरोसा होता है। इससे आपको अपने विषय में आत्मविश्वास आता है। अब तो स्टडी का विषय ये है कि जब सूरज का तूफान अपनी चरम स्थिति पर रहता है तब शुक्र ग्रह का वायुमंडल भारी और घना हो जाता है जबकि सौर तूफान के कम होते ही शुक्र ग्रह का वायुमंडल पतला हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सघन है। द प्लेनेटरी सोसाइटी के अनुसार शुक्र का वातावरण पृथ्वी की तुलना में लगभग 93 गुना अधिक सघन है। यदि आप शुक्र की सतह पर खड़े हो सकते हैं तो ये आपके शरीर के प्रत्येक वर्ग इंच पर एक छोटी कार के वजन के समान होगा या बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के पृथ्वी पर समुद्र की सतह के नीचे 0.6 मील रहने जैसा होगा, तुम्हें तुरंत कुचल दिया जाएगा। हालांकि शुक्र के वातावरण में जीवन के कोई निश्चित लक्षण नहीं पाए गए हैं लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ग्रह के वायुमंडल की तुलनात्मक रूप से मध्यम जलवायु और कम वायुमंडलीय दबाव में जीवन का अस्तित्व संभव है। हालांकि ये स्थितियां अभी भी हमारे ग्रह की अधिकांश स्थितियों से अधिक कठोर होगी। पृथ्वी पर कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें एक्स्ट्रोफाइल कहा जाता है सामान्य परिस्थिति में रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में थोड़ी मात्रा में परमाणु ऑक्सीजन का पता लगाया है लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि शुक्र के वायुमंडल में कभी भी उल्लेखनीय आणविक ऑक्सीजन रही हो। ये संभव है कि शुक्र के महासागरों के वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में बहुत अधिक ऑक्सीजन हो गई लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या हुआ होगा। इस बात पर संदेह करने का कोई भी कारण नहीं है कि शुक्र के वायुमंडल में आणविक ऑक्सीजन थी, भले ही वो एक समय प्रारंभिक पृथ्वी के समान थी क्योंकि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में तब तक अधिक ऑक्सीजन नहीं थी जब तक कि ये जीवन द्वारा उत्पादित नहीं होना शुरू हुई। शुक्र के वायुमंडल की तीन मुख्य परतें हैं। ऊपरी वायुमंडल में अत्यधिक परिवर्तनशील तापमान होता है और ये सतह से 60 मील ऊपर तक फैला होता है। उसके नीचे मध्य वायुमंडल या समताप मंडल है, फिर निचला वायुमंडल या क्षोभ मंडल सतह से लगभग 37 मील ऊपर तक फैला हुआ है और इसमें बादल की परतें और सतह के ठीक ऊपर बादल मुक्त क्षेत्र शामिल है। सतह के निकट ये तेजी से गर्म हो जाता है। शुक्र के ऊपरी वायुमंडल के ऊपर एक आयन मंडल या आवेशित कणों की परत भी है। सूर्य के अलावा शुक्र की सतह सौर मंडल की सबसे गर्म चीज है। ये बुध की सतह से भी अधिक गर्म है जो सूर्य के करीब है। ये शुक्र के घने गर्मी रोकने वाले वातावरण और इसके अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। शुक्र की सतह का तापमान 880 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच सकता है जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मुताबिक दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है। शुक्र में मौसमी बदलाव बहुत कम है क्योंकि इसकी धुरी मुश्किल से झुकी हुई है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी।